एक थी नदी, हो सकता है लातेहार के लोगों को जल्द ही यह कहना पड़ जाए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज यहाँ घास ही घास हैं, घासों के बीच कहीं कहीं पानी दिखाई दे रहा है। कभी यहाँ कल कल जायत्री नदी बहा करती थी। जो भी बताते थे कि जो जत्री नदी है बहुत ही स्वच्छ और सुंदर नदी था, जो यहाँ से धार बहता था, तो सभी लोग यहाँ से नीचे तक खेती करते थे, नहाते थे और पानी एकदम स्वच्छ रहता था। अभी इस नदी का स्थिति यह हो गया है कि हर जगह पर कटाव हो गया है, ऐसे बोला जाए तो अतिक्रमण हो गया है। इंसानी लालच धीरे धीरे जायत्री नदी को निगल रहा है। नदी के पाट क्षेत्र में धराधर अतिक्रमण किए जा रहे हैं, इसमें कई मकान तक बना लिए गए हैं। इससे सुकुर रही नदी कहीं नाले में तो कहीं गड्ढे में तब्दील हो गई है। प्रशासन मौन है, जनता चुप्पी साधे है। ये नदी का बहुत स्थिति दयनीय हो गया है। यहाँ पर सर नदी में लोग अतिक्रमण कर दे रहे हैं, नदी को कटाव कर दे रहे हैं और पानी सर अभी नदी में रुक नहीं पा रहा। अगर यही बीच बीच में चकडेम वगैरह अगर बनता तो पानी का ठहराव होता, जिससे यहाँ पर किसान को खेती के लिए उपयोगी होता, सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन सिंचित होता। कभी लातेहार जिला मुख्यालय के बीचों बीच से 10 किलोमीटर बहकर औरंगा नदी में मिलने वाली जायत्री का अधिकतर जगहों पर पता ही नहीं चलता। नदी कहीं नाले तो कहीं बड़े गड्ढे में तब्दील हो गई है। इसके द्वारा एक आवेदन हम चाहेंगे कि मेरा आवेदन इसमें दे दिए ऑफिस में, और उसके तत्पश्चात हुआ है उसका हम सर जांच करवा लेते हैं कि क्या मैटर है, उसमें जमीन किस किस के नाम से है या कौन कौन लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, जो भी हम लोग देख लेते हैं, उसको जांच कराने के बाद ही फिर हम लोग इस पर आगे कुछ कर सकते हैं। जल स्रोतों की सुरक्षा की जरूरत सबको पता है, कुछ दुष्प्रभाव तो जग जाहिर हैं। कभी जायत्री नदी से लातेहार के 2000 एकड़ जमीन सिंचित हुआ करती थी, लेकिन नदी को नुकसान पहुंचाए जाने से अब यहां सिंचाई का संकट है। इसलिए समय रहते चेतने की जरूरत है, लेकिन जल स्रोतों का संरक्षण सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, यह सबकी जिम्मेदारी है। जल स्रोतों का संरक्षण भले ही सरकार की प्राथमिक सूची में शामिल हो, परंतु लातेहार के जायत्री नदी की स्थिति सरकार के नीति और नियत पर सवाल उठा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि ऐसे जल स्रोतों का संरक्षण हो ताकि किसानों को सिंचाई के लिए भटकना न पड़े। राजीव कुमार, ईटीवी भारत, लातेहार।